ये इस सीजन के टमाटर हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे भी। क्या बात है। ये साथ में इसके फ्लावर हैं, ये बेसिल है कीड़े से बचाने के लिए। ओके। और ये नाड़ी साग कहते हैं जिसको। अच्छा। वाटर स्पिनेच, ये देखो आपने देखा। अच्छा ये इट इज वेरी गुड फॉर स्टमक। इट इज गुड फॉर गुड फॉर स्टमक। ये पुदीना भी है, बहुत बढ़िया। ये खरबूजा। खरबूजा हाँ। ये खरबूजा है। और ये सीताफल। सीताफल ये आपने मिडिल में ये क्यों लगाया हुआ है? वो पानी जरा थोड़ा रोकने के लिए। ये टमाटर है। ये टमाटर तो एक ऐसी चीज है जो हर एक गार्डनर अपने यहाँ पे लगाते हैं, तो वो यूजफुल भी बहुत है और इजी टू। हमारी कसूरी मेथी है लगाई हुई थी, आ रही है अभी धीरे धीरे, चलो थोड़ी बहुत आएगी, इसको यूज कर लेंगे, अभी सीजन तो नहीं है इसका। अच्छा हाँ। पर ये गांठ गोभी लगी हुई है, इट्स गांठ गोभी बन रही है। वाओ हाँ। ये काफी टेस्टी सब्जी बनती है। हाँ। मैंने तो इस टाइम फर्स्ट टाइम लगाई है इस बारी। अच्छा। ग्रो तो हो ही गई है वैसे। ग्रो हो गई। हाँ, ये पालक आ रही है। वाओ। पालक अभी मैंने और डाले हुए हैं बीज और निकलेगी। अच्छा, अच्छा। हाँ, विंटर्स की हम खा चुके हैं। अच्छा। ये चुकंदर हमने बाद में लगाए हैं, ये और आएंगे बाद में, बेबी प्लांट्स है समझ लो आप इनको। तो ये इस मौसम में भी निकलेंगे उम्मीद तो है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और ये बैंगन है, फूल बहुत आया हुआ है, ये बैंगन लगे हुए हैं। वो कसूरी मेथी थी, ये मेथी है। अच्छा हाँ, ये मेथी बट अभी अप्रैल में थोड़ी सी मेथी थोड़ी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो खाली गमले नजर आ रहे हैं आपको, इन सब में हल्दी लगी हुई है, स्प्राउट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा हाँ, समर्स में। क्या बात है। ये ऊपर बास्केट्स लगाई हुई है, कईयों में फ्लावर्स हैं, कई में सारे लीव्स की हैं, तो ये इसलिए लगाए हैं कि इसमें हमारे को पॉलिनेशन की जरूरत होती है फ्रूट्स के लिए। अच्छा, तो पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो हमने फ्लावर्स की बास्केट्स भी लगाई हुई है सारी। ओके हाँ, ये टमाटर का पौधा। अच्छा, पॉलिनेशन के लिए आपने फ्लावर्स लगाए हैं अपनी वेजिटेशन गार्डन। वेजिटेशन गार्डन। अच्छा, तो मतलब हमने अगर वेजिटेशन करनी है तो हमें फ्लावर्स इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, तभी उसमें सारी पॉलिनेशन होना बहुत ईजी हो जाता है। मधुमक्खी आती है और बड़ी चीजें आती है, लाइक बर्ड्स ऑल्सो दे ऑल्सो कम, तो एक से एक के ऊपर बैठ के दूसरे के ऊपर बैठते हैं तो फर्क पड़ जाता है। तो ये जैसे जाल लगा हुआ है आपका, तो कैसे आएंगे? ये जाल में से तो आ जाती है बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं। ओके। और इवन मैना भी आ जाती है, लेकिन ये मैंने जाल इसलिए बनाया कि भारे यहाँ बंदर बहुत है, मंकीज़ इतने हैं कि मैंने एक बार गोभी लगाई थी और इतनी गोभी निकली हुई, तो वो सारी खा गए। तो उसके बाद फिर मैंने ये जाल बनाया और हो गए, मेरे को जाल बनाए हुए 4-5 साल हो गए। तो जाल में अच्छी वेजिटेशन। हाँ, वेजिटेशन अच्छी। देखो टमाटर देखो भरे हुए हैं, ये देखो टमाटर पूरे लगे हुए, इधर भी हैं उधर भी लगे हुए टमाटर। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। एक दिन में कई बार आधा किलो, कई बार एक किलो, कई बार एक पाव, डिपेंड करता है। हाँ। ये सेलरी है और इसकी सीजनिंग बड़ी अच्छी। हाँ, सीजनिंग बड़ी अच्छी बनती है और इसके सीड्स भी निकल रहे हैं, ये अपने आप सीड्स गिर जाते हैं और सीजन में अपने आप आ जाती है। अच्छा। हाँ, आप सीड्स भी नहीं डालते? नहीं डालते। और इसके साथ ही मेरी वो बेसिल भी लगा हुआ था, बेसिल इज गुड फॉर नियर टू टोमेटो, टोमेटो में कीड़ा नहीं लगता। पुदीना, और ये पुदीना भी लगाया हुआ है इसके पीछे ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। तो ये मेथी है, इसमें मेथी दाना निकल रहा है, अब इसमें फ्लावरिंग आ गई है सारी। हाँ, ये मैंने पीपल बॉन्साई बना रही हूँ, ये हमारा मौसमी का है, पीछे पीछे नींबू का, वो बैंगन है उसमें भी बैंगन आ रहे हैं। हाँ, ये फूल आ गए हैं इसमें। और ये आपने ये प्याज के छिलके डाले हुए हैं, प्याज के और लहसुन के छिलके डाले थे, ये कीड़ों से उससे बचाते हैं पौधों को। अच्छा, प्याज लहसुन के छिलके कीड़ों से बचाते हैं। तो ये लगा क्या हुआ है? ये भिंडी लगी हुई है, भिंडी आई हुई है। अच्छा जी हाँ। ये मिर्ची है। अच्छा, ये बैंगन है। क्या बात है, क्या बात, सारे। और ये भिंडी लगी हुई है। अच्छा, तो दो आपने पुराने बेदिंग टब्स में भिंडी लगा दी, ये भिंडी देखो इसमें निकली हुई है काफी, ये देखो इतनी बड़ी हो गई। तो ग्रोथ अच्छी होती है टबों में। हाँ, ये चाइनीज ऑरेंज है। अच्छा। सीजन में तो भरा हुआ था, अभी इसमें दो ये लगे हुए हैं और आ रहे हैं। ये मेरे ब्रह्मी लगी हुई है। ये ब्रह्मी है। हाँ। ब्रह्मी मैंने बहुत सारे मल्टीप्लाई भी करे हुए, आई कीप ऑन गिविंग पीपल ऑल्सो, इसका फायदा। नाइस थिंग टू गिव। खाली पेट मॉर्निंग में खाने से बहुत फायदा है इसका। अच्छा, बहुत फायदा। हाँ, ये शरीफे का पौधा है। शरीफा। हाँ, ये आंवला है, आंवला के दो इकट्ठे लगाने पड़ते हैं, इसमें फ्लावर आना शुरू हो गया। ये चेरी है। चेरीज। हाँ, चेरी। दिल्ली में आपने चेरीज घर पे लगाई हुई है? लगाई हुई आती है, लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी आएंगी चेरीज। हाँ, वाओ। हाँ। मैंने पहली बार चेरीज का प्लांट देखा है। चेरी लगाई थी। ये है सो प्रिटी। इधर 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 ये बंद गोभी है। ओके। ये गांठ बन रही है, ये बना हुआ उसमें बनी हुई है। ये देखो चुकंदर आ रहा है इसमें, ये देखो ये रहा चुकंदर, ये चुकंदर आ रहा है।
हम लोग जूस लेते हैं चुकंदर का, सुबह मॉर्निंग में जूस पीते हैं सारे पत्तों का, एलोवेरा का, इसका आंवले का, तो ये इधर से ही लेते हैं चुकंदर। ये भी गोभी है। अच्छा। बट देखो ऑफ सीजन हो गया, उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए। अच्छा। और ये बंद गोभी है, ये भी ऑफ सीजन हो गया बट स्टिल इट इज कमिंग, सॉलिड बन गई है बिल्कुल एकदम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पर भी है? हाँ, तीन है। अच्छा, एक गमले में आपने तीन लगाई? यहाँ पे तीन लगाई। ये बॉटल ब्रश पौधा, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। अच्छा। हाँ, फ्लावर्स आर बहुत नेसेसरी है। ये पपीता। अच्छा। और ये अंगूर की बेल है। वाह। ये सारे नींबू के हैं। तो लेमन्स आते हैं इसमें? हाँ, बहुत आते हैं इसे। शिखा, आप इसको सूंघ के देखो, ये क्या है? ये काफी लाइम है और ये सूप वगैरह में डलता है, स्पेशली थाई सूप में। हाँ, ये थाई का ही फ्लेवर आ रहा था। थाई का फ्लेवर, थाई सूप में डलता है। वेरी नाइस। काफी लाइम है ये। इट्स वेरी नाइस। काफिर लाइम। काफिर लाइम। ये तुलसी है, लॉन्ग तुलसी। लॉन्ग तुलसी। ये इसका स्मेल करो। हाँ, लॉन्ग और तुलसी की। हाँ, क्या बात है, सच रेयर प्लांट्स यू हैव। ये नींबू देखो लगे हुए हैं। ये किस चीज का है? ये अमरूद का है। अच्छा। इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। और ये है हमारा मोरिंगा, जिसको ड्रमस्टिक कहते हैं। हाँ। और ये देखो ड्रमस्टिक लगी हुई है, देखो कितनी लंबी ड्रमस्टिक है। ये देखो, माय गॉड, इट इज सो बिग। ये तो बहुत हेल्दी होती है ना? बहुत हेल्दी होती है। इसके पत्ते भी हम लोग जूस में डालते हैं। जूस में? अच्छा। हाँ, पत्ते भी यूज होते हैं इसके। ये जामुन का। जामुन का पेड़, कमाल है। जामुन का तो बढ़िया फ्रूट और वेजिटेशन गार्डन सारा मिक्स करके लगाया हुआ है। ये लेमन ग्रास, ये बॉन्जाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। ये लर्निंग नेवर एंड्स। हाँ, नेवर एंड्स। ये है गुलमोहर का, ये हमारे गुलमोहर बाहर लगा हुआ है, उसके बीज उतरे थे, मैंने बीज से बनाया ये। बीज से? हाँ, और आई ट्राई टू मेक इट बॉन्जाई, इसमें फिर बहुत सुंदर फूल आते हैं। हाँ, बढ़ का है मेरा टेरेस गार्डन किचन, छोटा सा है। एवरी डे आई एम कमिंग फॉर 2 hours अपस्टेयर्स। मतलब छोटा सा है पर रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट वैरायटी है, और मेरे को तो ये छोटा लगा भी नहीं। मैं धीरे धीरे बढ़ाया है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल खुश हो जाता है ऊपर आके, बंदा रीजुवेनेट हो जाता है। और स्पेशली कोविड के टाइम पे तो पता ही नहीं चला टाइम कैसे मिलता है। कोविड के टाइम पे प्लांटेशन ने बहुत हेल्प करी है। ये मेरे सारे अडेनियम है, नाउ दे विल स्टार्ट फ्लावरिंग, फिर मैं इनको धीरे धीरे नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि इनको सन बहुत चाहिए।